बहादुरपुर पुलिस की टीम पर हमला, पत्थर चले तो चौकीदार का सिर फूटा। बिहार के दरभंगा में उत्पाद विभाग की छापेमारी के प्रतिशोध में देकुली गांव के दर्जनों लोगों ने गुरुवार देर शाम बहादुरपुर थाने की गश्ती टीम पर हमला कर दिया। आक्रोशित लोगों ने जमकर रोड़ेबाजी की, इसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस कर्मियों ने जान बचाने की कोशिश की, इस दौरान स्थानीय चौकीदार विशो पासवान का सिर फट गया, वहीं दारोगा प्रीति सिंह चोटिल हो गई। पुलिस पर हमले की सूचना पर कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, इसके बाद स्थिति नियंत्रित हो पाई। जख्मी चौकीदार और चोटिल दारोगा को बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। देर रात हमलावरों की खोज में पुलिस छापेमारी करने में जुटी रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच बहादुरपुर थाने की संध्या गश्त कर रही पुलिस टीम पर नाराज लोगों की नजर गई और अचानक से रोड़ेबाजी शुरू कर दी। पुलिस वाले कुछ समझते उससे पहले ही गाड़ी के शीशे चूर चूर हो गए। किसी तरह से सभी गाड़ी छोड़कर जान बचाते हुए भाग खड़े हुए। इस बीच सूचना पर पहुंचे प्रभारी दरोगा सुभाष कुमार मिश्रा की गाड़ी को देख नाराज लोगों ने दूर से ही खदेड़ने की कोशिश की। यह देख उन्होंने कुछ दूर पर ही गाड़ी को लगाकर आसपास के थाने को सूचना देकर मदद ली।